पूरे देश के सहित गया में भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गया में 136 कोरोना के पॉजिटिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं, जिनमें से दो लोगों की मौत हो गई है। एक टिकारी के रहने वाले थे और एक बेलागंज के रहने वाले थे। लोग कोरोना मरीजों की मौत की संख्या में इजाफा भी होने का ऐसा आशंका जताया जा रहा है और शमशान घाट पर इसकी पूरी तैयारी की गई है। हम तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कोरोना से जो पीड़ित थे बेलागंज, उनका सौदा अभी हो रहा है। और गया नगर निगम के द्वारा से विष्णुपद शमशान घाट के पास एक अलग में बाएं साइड में कि कोरोना के जो से जो मरीज मरेंगे, उन जिनकी मौत होगी उनका सौदा यहीं पर होगा और एक आदमी को भी यहां नियुक्त पीपी किट आएंगे, क्योंकि पिछले बार देखा था कि जो मेडिकल टीम आ रही थी पीपी किट ऐसे ही फेंक के चल जा रही थी और लोगों में एक डर एक भय का माहौल बन गया था। तो उससे निपटने के लिए गया नगर निगम ने एक पहल किया है, एक आदमी को नियुक्त किया है कि यहाँ जितनी भी पीपी किट होगा सब उसको जलाएंगे। ये आदमी है, सीधे उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपको किस काम के लिए यहाँ रखा गया है? सफाई के चलते। क्या क्या सफाई करना है आपको? किट जलाना है, झाड़ू लगाना है। अच्छा, इसका अलग क्या बनाया गया, इस साइड में क्या किसके लिए? वो डस्टबिन है, वो साइड में डस्टबिन में डाल सकते हैं किट, उसका बाद लहका सकते हैं। आज से ड्यूटी मिला आपको? नहीं, हमको बहुत पहले से ड्यूटी है। हाँ, यही है कि पीपी किट जलाना है। हाँ, अच्छा, कोरोना के मरीज को उधर जलाने के लिए बनाया गया है? हाँ, उधर साइड में, वो साइड में है। अच्छा, कि आज तैयारी किया गया था इसका? नहीं, कल ही तैयारी हुआ था इसका। कल तैयारी हुआ था। देखिए, कल गया नगर निगम शमशान घाट पर तैयारी की कि जो भी कोरोना के मरीज जिनकी मौत होगी उनका यहाँ सौदाह किया जाएगा और आज मेडिकल के टीम ने दो शव को यहाँ लाया और उसका सौदा यहाँ किया गया है और पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन कर रही है, क्योंकि जिला प्रशासन को पिछले साल का अनुभव है कि कोरोना से पीड़ित मरीजों को कैसे इलाज करना है और अगर जिनकी मौत हो जाती है उसका सौदा कैसे करना है। पिछले बार के अगर आप तस्वीर आपकी जहन में होगा तो आप देखे होंगे कि किस तरह से शव के साथ किया जाता था और काफ़ी वो खबरें बनती थी, पर इस बार जिला प्रशासन इन सभी चीज़ों से बच रहा है। गया से ईटीवी भारत के लिए सुजीत पांडे।